स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डेंसिटी का टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद फिर मैंने उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, उससे रिलेटेड, उस फार्मूले से रिलेटेड, डेंसिटी इक्वल मास और वॉल्यूम 7.1 हमारी एग्जांपल सॉरी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल हुआ था। आज हम करने लगे नेक्स्ट 7.2 प्रॉब्लम, पेज 165। कहता है हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस। डेटा इसका हम बना लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइस वी कितना होगा, फॉर्म बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। तो इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर से मुराद 1 लीटर में होता है 10^-3 मीटर क्यूब। ये मैंने जब डेंसिटी का टॉपिक पढ़ाया था, ठीक उसके साथ एक डेंसिटी का टेबल था, मुख्तलिफ उन्होंने जो है ना डेंसिटीज दी थी, मैंने कहा था वो वैल्यूज याद करनी है, और उसके नीचे एक टेबल था यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है 1 लीटर किसके इक्वल है 10^-3 के, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, देखें वॉल्यूम ऑफ आइस तब मालूम होता है जब हमारे पास मास गिवन हो, क्योंकि हमारे पास जो हमने डेंसिटी की रेशियो पढ़ी है वो डेंसिटी इक्वल होता है मास ओवर वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम तो हमने मालूम करना है। डेंसिटी उसने आपको नहीं दी, और मैंने आपको कहा था डेंसिटी उस टेबल से मुख्तलिफ डेंसिटीज दी हुई हैं, वाटर की, आइस की, मुख्तलिफ दी हुई हैं, वो आपको ज़बानी याद हो, वो आपको एज ए MCQ भी आ सकती हैं, वो आपको न्यूमेरिकल में मैंने तब भी बताया था कि यूज़फुल होंगी और अब यूज़ होने लगी हैं। तो डेंसिटी, चूँकि वाटर आइस का जिक्र है तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ आइस वो है 920 kgm-3। ये आपको डाटा में नहीं गिवन होना, ये आपने खुद लिखना है। इस तरह चूँकि वाटर का जिक्र आया तो डेंसिटी ऑफ वाटर रो इसे हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं वो 1000 kgm-3। तो डेंसिटी उसी सूरत, वॉल्यूम ऑफ आइस उसी सूरत में फाइंड आउट होगा जब हमारे पास मास गिवन हो। तो मास ऑफ वाटर जो है पहले हम उसे फाइंड आउट करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, वैसे तो आप सिंबल यूज कर सकते हैं डेंसिटी डी इक्वल एम ओवर वी, चूंकि अब यहाँ पर वॉल्यूम मेंशन है आइस का भी वाटर का भी, तो डेंसिटी भी मेंशन है, तो लिहाजा आप पूरा लिखेंगे, फुल फॉर्म लिख दें ताकि फिर चेकिंग करने वालों को पता चले वाकई इसने किसकी डेंसिटी निकाली है, पहले वाटर की के आइस की। तो डेंसिटी ऑफ वाटर है मास ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000, मास जो है वो हमने मालूम करना है, और वॉल्यूम जो है वो वाटर का है 1 10^-3। तो ये भी 1000 है, इसे भी 10 में लिख देना है 10^3, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मास हमने मालूम करना है, ये भी 10, ये भी 10, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये कट हो के 10^0, और जिसकी पावर 0 हो उसका आंसर क्या होता है 1 kg, मास आ गया 1 kg। तो अब हम मालूम कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आइस, क्योंकि हमारे पास मास गिवन हो गया। वॉल्यूम ऑफ आइस जो है फार्मूला होगा मास ओवर सॉरी वॉल्यूम ऑफ आइस हमने मालूम करना है, तो इसका फार्मूला बनेगा डेंसिटी ऑफ आइस मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ आइस हमारे पास है 920, ये मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये आपको गिवन नहीं है, ये आपको ज़बानी याद हो। मास हमने अभी फाइंड आउट किया है वाटर का वो 1 है, और वॉल्यूम हमने मालूम करना है ऑफ आइस का, वी इधर डिवाइड हो रहा है इधर आ जाएगा और 920 इधर आ गया। इन दोनों को हम अगर हम डिवाइड करते हैं 1/920, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 0.001086 मीटर क्यूब, क्योंकि हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर चुके हुए हैं ऊपर डाटा के अंदर, तो इसे आप सेंट वो
लिख लें, पॉइंट को आगे ले आए, 1.086 नहीं बल्कि आप ऐसे करें इससे पहले राउंड ऑफ कर लें, ये 6 है, 5 या 5 से ग्रेटर हो तो ये 9 हो गया मीटर क्यूब, आंसर ये ठीक है। अगर आप बिल्कुल बुक वाला मैच करना चाहते हैं, उसने आंसर दिया लीटर में, तो लीटर में आपने इसे लाना है मीटर क्यूब से वापस लीटर में आना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर यहाँ से लीटर से मीटर क्यूब में आना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं या 10^-3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों एक ही बात है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 टाइम्स आगे आएगा, क्योंकि 30 हैं तो ये आएगा 1.09 लीटर। ये आपका 7.2 जो है न्यूमेरिकल हो गया। इसी तरह मैंने आपको कहा 7.3 के अंदर भी लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, तीन प्रॉब्लम है इसमें, तीनों के अंदर वॉल्यूम मालूम करना है, फार्मूला यही लगेगा डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल मास ओवर वॉल्यूम, ये तीनों पार्ट आप करें, अगर इसमें कोई मसला हो मुझे बताएं। तो इसी तरह का 7.4 है, 7.4 इससे रिलेटेड जो है वो ये प्रॉब्लम है, द डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर तो वो उसने गिवन दिया हमें 1.3 kgm-3 डेंसिटी का यूनिट आ गया। फाइंड द मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर हमने m मालूम करना है, जबकि वॉल्यूम जो है ना वो उसने हमें दिया है v 8 m × 5 m × 4 m, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 और 160 मीटर क्यूब, मीटर 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 से मल्टीप्लाई मीटर क्यूब आ गया। तो फार्मूला यूज़ करते हैं डेंसिटी इक्वल मास ओवर वॉल्यूम, हमने मालूम करना है मास तो वी इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, डेंसिटी है 1.3 जबकि वॉल्यूम हमारे पास है 160, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.3 मल्टीप्लाई 160 तो ये हमारे पास आंसर बनता है इसका 208 किलोग्राम। लें जी आपके न्यूमेरिकल जो डेंसिटी से रिलेटेड थे वो थे 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 और इसकी बनती है एग्जांपल 7.1, इसमें से मैंने 7.1 किया है, 7.2 किया है और 7.4 किया है, जबकि 7.3 और 7.1 एग्जांपल ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसे आप सॉल्व करें और बिल्कुल इजी है, जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ बिल्कुल इजी, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये दो न्यूमेरिकल आपने करने हैं, तीन मैंने आपको कर दी हैं, फिर नेक्स्ट हम प्रेशर पढ़ेंगे टॉपिक, वो नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस करेंगे।